हेलो फ्रेंड्स, रेखा साउथ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों में मार्केट में नींबू बहुत ही महंगे मिलते हैं और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो महंगे नींबू लेकर आते हैं और नींबूओं को हम रख देते हैं और कुछ ही दिन में ये सूख जाते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं। तो आज मैं ऐसा तरीका लेकर आई हूँ, आपके नींबू अमर हो जाएंगे और बिल्कुल खराब नहीं होंगे। नींबू का जूस स्टोर करने का तरीका बताऊंगी कि आप इसका मजा साल भर उठा सकते हैं और आपका नींबू कभी भी खराब नहीं होगा। तो चलिए, हमें नींबू को अमर करने के लिए करना क्या है, तो आपको लेना है नींबू। मैंने नींबू तो हर प्रकार के आपको दिखा दिए हैं, मेरे सूखे भी हैं, ताजे भी हैं, उचके सब तरह से नींबू हैं। बस आपको नींबू को कट करना है। सभी नींबू को आप कट कर लीजिए क्योंकि सूख गए हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है नींबू काटने में। ताज़ा तो कट जाएगा लेकिन जो सूख गया काटने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप काट लीजिएगा। आपकी ये मेहनत एक बार की है और फिर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इसका मज़ा बहुत ही अच्छे से उठाएंगे। अब आपको नींबू वाली मशीन लेना है और आपको जूस निकालना है। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी नींबू को निचोड़ सकते हैं और फिर छलनी से छान लीजिए तो उसका बीज निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से हमने सभी नींबू का जूस निकाल लिया है। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगे और मेरे चैनल पे आप न्यू आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको दो तरीके से नींबू का जूस स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। अब आपको लेना है कांच की बोतल, इसमें आपको फिल करना है। तो चलिए, हमने फिल कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और जब मर्जी हो एक दो चम्मच निकालिए और यूज कर लीजिए। अब भाई, मैंने यहाँ पे आइस क्यूब ट्रे ले लिए, इसमें आपको नींबू के जूस को फिल करना है। जितने जितने आप पीस बनाना चाहते हैं उतना उतना आप जूस डाल दीजिए और बस आपको फिल कर लेना है। तो मैंने भाई फिल कर लिया है। अब इसे आपको फ्रीजर में रखना है सेट होने के लिए। तो लीजिए, हमारा नींबू का जूस 4 घंटे में सेट हो चुका है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही आसानी से नींबू का जूस हमारा स्टोर हो चुका है। अब चलिए, इसे यूज कैसे करना है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। वो पीस नींबू के जूस के डाल दिए और फिर मैंने 2 से 4 आइस डाल दिए, साथ में काला नमक और फिर आपको इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालना है और थोड़ा सा आपको भुनी हुई जीरे का पाउडर और चिल्ड आप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास नींबू के टुकड़े हो तो आप थोड़े से नींबू के टुकड़े डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू सजा दीजिए और फिर इसमें लगा दीजिए स्ट्रॉ। इस गर्मी में आपने इसे बनाकर इस तरह से पिया तो दिन भर की थकान दूर हो जाएगी और दिन भर आपको एनर्जी रहेगी। तो इसी तरह की रोज़ नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।